हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ आकार और स्थिति के पार्ट दो की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहां से हमें देखना था कि भारत की जो पूर्व से पश्चिम की जो जो एरिया है वो 29 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। जबकि हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और कहीं ना कहीं जो हमारा मानक टाइम और हमारा जो 23.5 है वो हमारे देश को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन गई हुई है ये पूरी की पूरी 23.5 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि हमारे देश को पूरा दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और ये आपने देखा होगा 68.7 कहीं ना कहीं, इसके साथ में 97.25, उसके साथ में अलग अलग प्रकार से हमारे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरे डिवाइड हैं, जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं हम लोग पूरा का पूरा सारी चीज़ें किया करते हैं। इसके साथ में ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि भारत का विश्व के देश के साथ संपर्क युगों पुराना है। हमारा जो संपर्क है वो काफ़ी समय पुराना है, कोई अभी का संपर्क नहीं है। हम लोगों का जो व्यापार है वो कई समय से, कई मिलियंस सदियों से चला आ रहा है। हम लोग हमेशा व्यापार करते रहे हैं और समृद्धशाली देश रहे हैं। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक चीनी यात्री हमारे यहाँ पे आए हैं, प्राचीन काल में भारत आए हैं। जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ मिथ्या चला करती थी कि हम लोग समुद्र पार यात्राएं करना उचित नहीं मानते थे। इस कारण से हमारे यहाँ से लोग कभी भी दूसरी जगहों पर जाते नहीं थे और हमारे यहाँ से कोई ऐसा खास व्यापार नहीं होता था। लेकिन किंतु अगर हम देखें तो गुजरात के जो लोथल है, कालीबंगम है, वहाँ पे कई बार इस तरह के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इराक और ईरान के से आई हुई काफ़ी वस्तुएं, जिसमें सॉल, कपड़े, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात हुआ है। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संबंध रहे हैं। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक तथा दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसालों की बात करें, हम मलमल की बात करें, कपड़ों की बात करें, और अन्य प्रकार के व्यापारों की बात करेंगे, तो जो भारत देश है वो विभिन्न देशों को ले जाया जाता था भारत देश से। इसके विपरीत में यूनान स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वस्तुकला के प्रतीक मीनारें एवं गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी, भारत एक दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, साथ में पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश से लगती हैं। 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक थे प्रांत थे और दूसरे थे रियासतें। इसका तात्पर्य यह है कि एक वह राज्य थे जिनमें सीधा अंग्रेजी हुकूमत शासन किया करती थी, और दूसरे वो राज्य थे जिनमें जो भारतीय जो राजा थे वो रजवाड़े थे, वो रियासत वो वहाँ शासन किया करते थे। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव आता है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये रहा आपका डीजन मन्नार की खाड़ी वाला। इसके साथ में ही अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मैप को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे जो भारत है इसके आसपास के जो देश हैं, जैसे कि ये रहा पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान के बाद ये नेपाल के बाद चाइना के बाद ये श्रीलंका के बाद ये इस तरह से हमारे अलग अलग, यहाँ पर म्यांमार के बाद बीच में बांग्लादेश है। तो इस तरह से ये अलग अलग देश हमारे आसपास लगे हुए हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर था भारत आकार और स्थिति, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई विश कि आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई करेंगे और घर से बाहर ना निकलेंगे, अपने ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।